हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जो सुबह को देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जो दोपहर में देख रहे हैं, और गुड इवनिंग जो इवनिंग में देख रहे हैं अपने रिकॉर्डेड क्लास। तो बात अपनी जो चल रही है आज, पिछले लेक्चर का कंटिन्यूशन पार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर अपना जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का था बच्चों, उसमें हम लोगों ने शुरू ही किया था अभी, और हम लोग बात कर चुके थे कि क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या उसके लीगल प्रोविजंस है, किस किस कंपनी को बनाना मैंडेटरी है, और एक और चीज की कैश फ्लो के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का। और क्योंकि थोड़ा सा एक पोज चाहिए होता है, लास्ट क्लास में दो चैप्टर हमारे, एक यूनिट भी खत्म हुई थी, तो इसलिए मैंने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स को नहीं कराया था। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं स्टार्ट करने से पहले, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल कोई भी अलग नहीं है। जब हम ये चैप्टर करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बिल्कुल समझ लो अपने आप रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की ही प्रैक्टिस है। चलिए जी, इन सब बातों के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं लास्ट क्लास जहां हमने छोड़ी थी वहां से आगे मैं बात कर रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग हम लोग ने लिखना शुरू ही किया था, हमने हेडिंग डाला था बेटे। जी सर, शुरू करा दीजिए। हाँ जी, तो शुरू करें बेटे लिखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बल्कि इसको आगे लेने से पहले मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूं कि बेटे कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें आपको बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चीज़ें हैं। और हमने कुछ लीगल रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, लेवल 1 के लिए मैंडेटरी है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। सेबी क्या कहता है, इरडा क्या कहता है ना, वगैरह वगैरह। तो बात चली थी आगे, और मैंने आपसे कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना कुछ नहीं है, हमारे यहाँ जो पूरा बिजनेस के अंदर कैश या कैश के समान वाली बात, कैश और कैश के इक्विवेलेंट। तो कैश के इक्विवेलेंट तो बेटे बैंक भी होता है, डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं, कैश इक्विवेलेंट में ये सब चीजें कवर होती हैं। तो इनके अंदर कितने का फ्लो हुआ, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितने का इनफ्लो, कितने का आउटफ्लो, कितना उसमें शुरू में बैलेंस था और कितना लास्ट में, यही सब चीजें मैंने आपसे कहा था कि इनको इनके आने जाने को ही फ्लो बोला जाता है ना। और इसी को हमें बस 3 एक्टिविटीज में पढ़ना है, अलग अलग एक्टिविटीज में कितना पैसा आया और गया। जैसे पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर दूसरी इन्वेस्टिंग, और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए जी, इन्हीं सब चीजों को हमने यहाँ पे देखा था, एक छोटा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने डाल करके देखा बेटे। फिर बात आगे बढ़ी, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, और फिर थोड़ा सा थ्योरी में लिखने के बाद में हम शुरू कर रहे थे आगे मेन काम की चीज। अब जो थ्योरी है वो न्यूमेरिकल टाइप की थ्योरी है, उसमें सारी बातें न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। जैसे ये है अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर मुझे दूसरी साइड रखो, लेफ्ट साइड रखो, अगर ऐसी बात है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नहीं लेफ्ट, नीचे नहीं आएगा, चलो नीचे कर दो फिर। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लिखाना चाहता हूँ, फाइनेंसिंग भी, इन्वेस्टिंग भी। इनको बल्कि लिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जल्दी से तीनों एक्टिविटीज को कैच कर लें। कैसे? आइए जी, कोई व्हाइट पेपर है क्या? एक व्हाइट पेपर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। देखो जी, बेटे एक तो अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी है, तो उसके केस में क्या होता है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और वर्टिकल होता है। और दूसरा अपनी बैलेंस शीट। मैं आपको एक छोटा सा हिंट बता रहा हूं, जिससे कि आप ज्यादा फोकस रहे इन चीजों को समझने के लिए, कि
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें कहाँ देखने को मिलती है? जितना भी अपना ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बिजनेस के ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। इसकी इसके थ्रू में पता चलता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। तो जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो यहीं पर देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहां से जो कैश में फ्लो हुआ है वो फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फ्लो कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फ्लो। सर कैसे? मैंने कहा देखो यहाँ पे सेल हुई है, सेल से जो पैसा आया है, या सेल से जो पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेल से डेटर्स तो जनरेट हुए, उधार सेल से बाद में भी तो पैसा देंगे ना, वो भी तो कैश के इक्वलेंट ही है। क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इनके अंदर भी जो मूवमेंट है वो हमारा शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, वो बिल्कुल कैश के इक्वलेंट ही रहता है। इधर बात करता हूं परचेज, दूसरे एक्सपेंसेस चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, और फिर बात हुई नेट प्रॉफिट। तो जो भी हमारे मूवमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स से रिलेटेड आइटम्स में होते हैं। क्या कहा मैंने? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मूवमेंट्स हमें देखने को मिले, जैसे सेल, परचेज, खर्चे, अदर इनडायरेक्ट इनकम, या इनसे रिलेटेड कोई भी अकाउंट है, जैसे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में क्या होता है बेटे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो आइटम्स यहां पर है और उनसे रिलेटेड आइटम्स, वो भी क्या कहलाते हैं हमारे, उनके मूवमेंट्स भी हमारे क्या कहलाते हैं बेटे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, से आने वाला या उसमें जाने वाला कैश का फ्लो। तो ये एक्टिविटीज जो बिजनेस के ऑपरेशन से जुड़ी हुई है वो कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, ऐसी कुछ बात होती है किसमें, परचेज से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं परचेज से रिलेटेड क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में जो मूवमेंट होता है, सर कैसे? मतलब परचेज दो तरह की होगी, या तो कैश में होगी, बिल्कुल सही बात है। तो कैश का फ्लो ही तो हमें देखना है यहां पर, और वो भी बिजनेस के ऑपरेशन से जनरेट हुआ है जो कैश फ्लो, चाहे इनफ्लो चाहे आउटफ्लो, वो हमें देखना है। तो परचेज जो अपनी कैश में है उसका फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है, और जो परचेज हमारी उधार में, उससे रिलेटेड अकाउंट कौन सा है? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इनके इनके अंदर जो रिलेशन है बेटे, ये भी क्या है, क्रेडिटर्स भी किससे जनरेट हुए? क्रेडिट परचेज से। तो क्रेडिटर्स के अंदर भी जो मूवमेंट होगा वो भी क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं गुड्स वाले क्रेडिटर्स बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से। सेल की बात करूं तो ऐसी बात, कुछ सेल्स की है, सेल्स कैश में, ठीक है, फिर तो कैश फ्लो है ही है, और सेल तो बिजनेस का मेन ऑपरेशन होता है। सेल्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं क्रेडिट वाली सेल, तो क्रेडिट सेल मतलब कि डेटर्स। तो जो डेटर्स की बात है, डेटर्स के अंदर जो मूवमेंट है, डेटर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो वो किस वजह से होगा भाई? या तो डेटर्स में पैसा और चला जाएगा, या डेटर्स से पैसा वापस आ जाएगा। तो इनका जो फ्लो है वो भी कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। नेक्स्ट, इनकम्स की मैं बात करूं, इनकम्स की, इनकम कुछ होती है अनएक्रूड इनकम। बेटे अगर कभी एडवांस में इनकम आ जाए, है ना, तो क्या कहलाती है हमारी? अनएक्रूड, अनअर्न्ड, जो इनकम एडवांस है, जो हमें एडवांस में रिसीव हो गई है लेकिन अभी हमने कमाई नहीं है, तो ऐसी इनकम कहलाती है हमारी अनएक्रूड इनकम। और जो इनकम हमने कमा तो ली है लेकिन अभी वो कैश में रिलाइज नहीं हुई है, ऐसी इनकम हम कहलाती है एक्रूड इनकम, अर्न बट नॉट रिसीव इनकम। आपको, आप इसको ड्यू और नॉट ड्यू के नाम से भी जानते होंगे। तो बेटे हमारी जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बातें होंगी वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे बिजनेस का मेन ऑपरेशन है ना, या सपोर्टिंग ऑपरेशन है। ये क्या बोलते सर आपने? मेन जो बिजनेस का ऑपरेशन है और उसका जो सपोर्टिंग है, हाँ, जैसे कोचिंग है। अब कोचिंग के सपोर्टिंग क्या हो सकता है? कोचिंग, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है तो बिजनेस है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, कोई फ्री में थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना। और उसके सपोर्टिंग में जो मेन एक्टिविटी का पार्ट होती है, सपोर्टिंग टू मेन एक्टिविटी,
क्या हो सकती है बेटे, कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट बिजनेस जो चलाते हैं उनके सपोर्टिंग कोचिंग के अलावा और क्या हो सकती है? वो हो सकती है जी फोटो स्टेट की दुकान, किसी बच्चे को कोई फोटोकॉपी करानी है किसी पेपर की, बुक की शॉप है ना, बुक्स खरीदनी है बच्चे को तो तुरंत वहीं से खरीद लेगा, वो भी एक बिजनेस है और वो कोचिंग के सपोर्टिंग बिजनेस है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज होती है वो क्या कहलाती है? सपोर्टिंग टू मेन एक्टिविटी, और मेन एक्टिविटी और उसके सपोर्टिंग एक्टिविटी से जो इनकम आ रही है, मेन एक्टिविटी की इनकम यहाँ पे आती है जो बिजनेस का मेन काम है, और उसके अलावा सारी यहाँ पे आती है। तो अब छोटी आप बात को कंक्लूड करता हूं, बिजनेस की प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेशन वाली जो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे मेन रिवेन्यू जनरेट होता है वो कहलाती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो एक्टिविटी रहती हैं, मेन और उसके सपोर्टिंग। ठीक है सर, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सपोर्टिंग नहीं होगी? मैंने कहा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अगर मैं बात करूं, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में खोल दी कपड़े की दुकान, तो क्या ये मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी है? नो, वो उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है। आइए जी, तो ये तो बात रही ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझने की, अब बात करते हैं किसकी, बाद में हम लोग फिर ना इसको अभी हम लिखने वाले हैं तो इनको लिखने से पहले हम लोग दिमाग में इनको पहले लिख ले। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद में बात करता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो बेटे आपकी फिक्स एसेट्स और साथ में आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बस इन दोनों के अंदर जो पैसा आ रहा है या जा रहा है वो कैश का फ्लो कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बस बेटे इनके अंदर जो पैसा आया, क्या मतलब सर? अगर फिक्स एसेट्स खरीदी तो कैश बाहर गया, बिल्कुल जी, हम लिखेंगे इनको सिस्टमेटिकली, लेकिन लिखने से पहले जरा दिमाग में लिख ले, समझ ले एक बार, फिक्स एसेट्स खरीदी और या फिर फिक्स एसेट्स बेची, खरीदेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा और बेचेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, तो इनमें जो एक्टिविटी हो रही है वो कहलाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और यही हालत है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट जो है अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदे तो कैश बाहर गया, कैश का आउटफ्लो हुआ है ना, और अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को बेचा तो क्या हुआ बेटे, कैश का इनफ्लो हुआ, फिर पैसा बिजनेस के अंदर आया। चलिए जी, तो हमें क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को ढूंढना है तो वो यहीं पर देखने को मिलेगी, क्योंकि बेटे क्वेश्चन में तो पूरी बैलेंस शीट दी होगी, उसमें तो डेटर्स भी होंगे, क्रेडिटर्स भी होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस भी होंगे, ओपनिंग सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होंगे, एक्रूड इनकम भी होगी, अनएक्रूड इनकम भी होगी, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, मैं तो कहता हूं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। क्या मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को ढूंढने के लिए? नो। आइए जरा अब मैं आपसे एक वर्ड बोल रहा हूं, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे किसे? भाई इन दोनों आइटम्स या इनसे रिलेटेड आइटम्स? सर इनसे रिलेटेड, हाँ भाई ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हाँ जी, इस इन्वेस्टमेंट्स से जो इनकम आ रही है जो बिजनेस की मेन इनकम नहीं होती, इनसे इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है हम क्या बोलते हैं उसको, इनकम फ्रॉम इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड क्यों बोला सर? क्योंकि बेटे नॉन ट्रेड है इसलिए बोला। अब ये क्या बात हुई, नॉन ट्रेड है वो तो आप हमें बता ही रहे हो। मैंने कहा भाई जो बिजनेस का मेन ट्रेड मेन काम नहीं है, जो बिजनेस का मेन काम नहीं है, मेन काम तो यहाँ पे आता है, उसमें जो पैसा लगाया वो कहलाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जैसे गुड्स खरीदा फिर उसको बेचा तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो बिजनेस का मेन काम है उसमें तो पैसा लगना ही लगना है, लेकिन जो बिजनेस का मेन काम नहीं है वो कहलाता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो उससे जो इनकम आ रही है वो यहां पे आ रही है, क्लियर? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट या उससे जनरेट होने वाली इनकम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी, ये वाली और फिक्स एसेट्स की बात भी। सर एक बात और बताओ, क्या आपने कहा कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? हाँ जी। उसमें आप देखोगे फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या उनसे रिलेटेड इनकम? हाँ जी। क्या उनसे रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, उन्हें खरीदने में होंगे, वो तो उनकी कॉस्ट होगी। अच्छा फिर कि फिक्स एसेट से रिलेटेड एक डेप्रिसिएशन भी तो है, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा? जैसे आपने कहा कि ये या इनसे रिलेटेड, मैंने कहा नहीं, हमने पैसा लगाया फिक्स एसेट्स के अंदर क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक फिक्स एसेट्स खरीदी, बिजनेस के मेन काम के लिए फिक्स एसेट्स खरीदी, तो इनसे जो रिलेटेड खर्चा है वो बिजनेस ऑपरेट का खर्चा है, बिजनेस ऑपरेशन में जो खर्चा आता है, क्योंकि फिक्स असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, वो किस लिए खर्च हो रही है? फिक्स असेट्स वो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्च हो रही है, तो ये बात ध्यान रखना। फिक्स असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ आएगा जी? यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कभी आप सोचो कि सर ने तो बोला था इन दोनों आइटम या इनसे रिलेटेड इनकम्स यहाँ पे आती हैं, खर्चे तो आ ही नहीं सकते, तो बात यहाँ तक आपके दिमाग में बैठ गई। मैं आगे चला, अगली जो एक्टिविटी है उसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मैंने कहा बिजनेस में पैसा कहां से लाए, इसी बात को हम बोलते हैं कहां से पैसा फाइनेंस कराया। उसमें चाहे आपकी शेयर इशू करके पैसा लिया कंपनी ने, या फिर डिबेंचर्स, या फिर बेटे लोन, जो आपने लोन दिए, ठीक है, तो ये जो लोन है वो क्या कहलाते हैं बेटे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहां पर एक छोटा सा खतरा है। क्या खतरा है? मैं आपसे बोलूंगा एक छोटी सी चीज जो आपको समझनी होगी। क्या? जब हम बात करते हैं लोन्स की, तो एक डाउट बच्चों के माइंड में आ सकता है, क्या, कि हम इसको इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शॉर्ट टर्म लोन वाले की बात कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म वाले की बात कर रहे हैं, कि हम बात जो कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म लोन की बात कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म लोन की बात है। क्यों भाई ऐसा डाउट क्यों आ जाता है? क्योंकि बेटे बच्चे यहां पर इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में यहां पर जो होते हैं, यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो पड़े रहते हैं आपके कैश के समान, कैश इक्विवेलेंट में। ये बात मैं क्यों लिंक करके बता रहा हूं? क्योंकि बच्चा इसी को लिंक करके हमेशा पढ़ता था। जो बच्चा ट्वेल्थ में पढ़ चुका है वो यहां पर कई बार गलती कर सकता है, लेकिन अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत अच्छा। तो मैं बात को समअप करता हूं। अगर मैं दोबारा से वापस आऊं इधर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है यहां पर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काउंट किया जाता है कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश के इक्विवेलेंट में काउंट करते हैं, सॉरी ऑपरेटिंग में नहीं, कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट में उसको काउंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं आते। अब बात करता हूं जी इधर मैं बात करूं तो यहां पर बात हो रही है दोनों लोन की, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उनसे जो पैसा आया, जो लोन को वापस करने में गया, डिबेंचर इशू करने से जो पैसा आया, या फिर डिबेंचर्स को पे करने में, रिपे करने में जो पैसा गया, शेयर्स इशू करके जो पैसा आया, या शेयर्स को वापस लेने में जो पैसा गया, वापस कैसे, एक चैप्टर आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक चैप्टर आगे आएगा सेकेंड ग्रुप में जिसका नाम है बाईबैक, इक्विटी का पैसा वापस बाईबैक के जरिए होता है, तो ये इनसे जो पैसा आया वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये वाले जो आइटम्स हैं या इनसे रिलेटेड आइटम्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर इनसे रिलेटेड? अरे बेटे इस पे जो लोन गया, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट गया, इंटरेस्ट वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड आई होप कि आप लोग इतनी बात समझ चुके हैं। हाँ जी,
क्लियर है, ये कहलाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बस इन्हीं चीजों को हमें पहले लिखना है और क्वेश्चन में हमें सब का फ्लो निकालना है, बस कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। सर क्या ये नोट भी करना है? हाँ बेटे, बस दिमाग में नोट करना है, कॉपी पे नहीं। कॉपी पे तो मैं अब नोट करा ही रहा हूं। आइए जी फिर शुरू करें लिखना सिस्टमेटिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लीज मेरे साथ साथ नोट करेंगे। हाँ जी, सबसे पहली बात यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी। भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जरूरी है पहले हम समझे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते किसे। भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी, ठीक है, एंटिटी एंड थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, एंड द एक्टिविटी विच इज नोट नोट नहीं नाइदर विच इज नाइदर इन्वेस्टिंग नोर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। भाई ऐसे वाली एक्टिविटीज जो ना तो इन्वेस्टिंग है और ना ही फाइनेंसिंग है, ऐसे वाली एक्टिविटीज भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कवर होती हैं। जैसे बेटे आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो, जिस इनकम को किसी स्पेशली स्पेशल हेड में कवर नहीं किया गया है वो कहाँ आती है? अदर सोर्स में। ऐसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है तो भी हम उसको ऑपरेटिंग बोलेंगे, सिर्फ ये नहीं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो आइए जी हम इसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है इस तरह का कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल बताइएगा। तो आओ जी कुछ एग्जाम्पल लिखें हम लोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। लिखिए एग्जाम्पल्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। Of goods or from services। भाई जरूरी थोड़ा ना बिजनेस हो सकता है किसी का प्रोफेशन का काम हो। भाई कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जो गुड्स के रूप में, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जो सर्विस के रूप में। कैश रिसीव्ड, बेटे जल्दी जल्दी लिखते रहना, फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन एंड अदर रिवेन्यूज़।
जो कैश रिसीव हुआ किससे, रॉयल्टी से, फीस से, कमीशन से और अदर रिवेन्यू से। वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। कैश फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम्स पॉलिसीज एंड कैश पेड। बेटे इंश्योरेंस क्लेम मिला ना, जैसे गुड्स जल गया या कैश जल गया, कैश का लॉस, एबनॉर्मल जो लॉस हुआ या फिर गुड्स का लॉस हुआ, तो कैश फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसीज या फिर कैश पेड फॉर प्रीमियम, ये बिजनेस के ऑपरेशन का काम है। ये तो बिजनेस का मेन काम है, मेन रूटीन काम है कि भाई वो अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं और अगर गुड्स जल जाता है या लॉस हो जाता है, लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, कुछ भी होता है, वो उसका क्लेम भी लेते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट। कैश फ्रॉम, ये क्वेश्चन बेटे कई बार आया, ध्यान रखना एग्जाम में। कैश फ्रॉम रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एंड पेड फॉर इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स पे किया तो कैश फ्लो किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इनकम टैक्स का रिफंड आता है ना कई बार टैक्स ज्यादा पे हो जाता है या भाई कोई टीडीएस काट लेता है, फिर टीडीएस काटने के बाद में पता चला उसने टीडीएस ज्यादा काट लिया तो रिफंड क्लेम करते हैं। तो ऐसे जो फ्लो होता है कैश का, वो किस में कहलाता है, वो भी बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। नेक्स्ट, यहां पर बस एक खतरे का निशान बना लेना या कुछ लिख लो नोट। टैक्स पेड शुड नॉट बी रिलेटेड टू फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। एक्टिविटीज भाई टैक्स जो है ना, जो भी आपने पे किया वो इन दोनों एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, तभी वो ऑपरेटिंग में आएगा। सर कैसे, जैसे बेटे सीडीटी कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स है तो वो इनकम टैक्स, लेकिन वो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। ये अपने आप में एक बड़ा डाउट रहता है, बच्चा क्या करता है, इनकम टैक्स तो चलो ठीक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में समझता है, लेकिन जो कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, जो कंपनी पे कर रही होती है शेयर होल्डर के बिहाफ पर, जिससे शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है, ऐसा टैक्स कंपनी को पे करना पड़ा बिकॉज ऑफ डिविडेंड पेमेंट। और डिविडेंड पेमेंट रिलेट होता है किससे, रिलेटेड होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो ऐसा टैक्स जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से दिया जा रहा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होता है, ऐसा इनकम टैक्स, क्योंकि वो डिविडेंड इनकम पर पे किया गया टैक्स है, वो यहां पर कवर नहीं होता है। इसीलिए यहां पे एक नोट लिखाया मैंने कि भाई ऐसा ना हो, पता चला उसकी उस चीज का टैक्स है। अगला नंबर, हाँ जी, कैश पेड फॉर गुड्स और सर्विसेज। जो सर्विसेज के नाम का या गुड्स के नाम का जो पेमेंट किया है वो कैश, जो पेमेंट किया है ऐसा कैश भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। चलिए जी, और क्या है भाई, एक और लिख लीजिए। हालांकि ये यहां पर नहीं, सीए फाइनल में जाकर आपको चैप्टर मिलेंगे, फाइनल के अकाउंट में
ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसका नाम है, मैं लिख देता हूँ, कैश या तो आया रिसीट्स और पेमेंट्स या फिर कैश गया, किसके लिए, फॉर इन इन चीजों के लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कोमा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कोमा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, इनसे रिलेटेड कोई भी अमाउंट आई या फिर गई तो ये देखा जाएगा, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किस लिए लिए गए थे, क्या ये बिजनेस का मेन काम है। अगर बिजनेस का मेन काम है तो यानी ये कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं ट्रेडिंग के पर्पज से, डीलिंग के पर्पज से, तो फिर तो ये बनेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर ये हैज के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए किए गए हैं, फाइनल में आप लोग जाकर समझेंगे हैजिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये, ठीक है ना, तो फाइनल में जाकर बात होगी। वैसे तो बस आप इतना समझ लीजिए कि हमने किसी करेंसी में डील की, डॉलर, आज मान लिया डॉलर आज 50 रुपए का है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, और कल को कहीं 60 का ना हो जाए, क्योंकि हमें अपने बाहर वाले क्रेटर का पेमेंट, जिससे हमने बाहर से माल मंगाया है या लोन लिया है, जो आउट ऑफ इंडिया रहता है, उसको तो हमें डॉलर ही देने हैं। तो फ्यूचर में पता चला हमें डॉलर महंगे खरीद करके तब उसको पकड़ाने पड़ रहे हैं, आज 50 का डॉलर है जब हमने उससे लोन लिया, और फ्यूचर में जाकर जब हमें से लोन वापस करना है एक साल बाद, दो साल बाद, पता चला डॉलर का रेट महंगा हो गया, तो हम इनकी सेफ्टी के लिए एक सिक्योरिटी जस्ट लाइक इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, तो जल्दी बात समझ में आ जाएगी। ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अगर डेली रूटीन में कराते हैं अपने ट्रेडिंग के पर्पज से, अपनी डीलिंग के पर्पज से, जो ट्रेड बिजनेस की डीलिंग है, तो ऐसे चीज ऑपरेशन का पार्ट होती है। ये तो डेली रूटीन का काम है, बिजनेस बाहर जब भी ट्रांजैक्शन करता है अपने गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, तो ये कराते कराता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होते हैं। लेकिन अगर बिजनेस का मेन काम नहीं है तो ये यहाँ पर कवर नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं ये आगे आएंगी, ठीक है। आइए फिलहाल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोमा लगाइए, लिखिए इफ इफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस, then such are covered in operating activities, तो ये operating activities में cover होती हैं। इनसे आना और जाने वाला इसमें cash flow, cash का flow, cash flow from operating activities कहलाता है। तो मेरा ख्याल है यहां तक ओके, आपने लिख भी लिया होगा। मैं आगे चल रहा हूं जी। ये मानते हुए कि बच्चों ने यहां तक लिख लिया होगा, मैं आगे चल रहा हूं। अगली जो एक्टिविटी है, हाँ जी, वो है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नंबर है 4, नंबर 4, हेडिंग बनाइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
ब्रैकेट में लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को आपको क्वेश्चन में कहां पे देखना है, बैलेंस शीट में, असेट साइड में। तो बात आगे बढ़ाऊं जी? हाँ सर बढ़ाओ जी। तो जी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते किसे हैं। लिखिए जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच बिलोंग्स टू द एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स। ब्रैकेट में लिखो बेटे, यहां पे बात हो रही है फिक्स असेट्स की। लिखो एंड और ऐसे वाली चीज भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है। कौन से वाली सर? मैंने कहा इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म नहीं है। सर आपने तो बताया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, कैश के इक्विवेलेंट में आते हैं। हाँ लिखो यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म असेट्स यानी फिक्स असेट्स की बात कर रहे हैं यहां पर, और साथ में एंड आल्सो द इन्वेस्टमेंट्स यानी वो वाले इन्वेस्टमेंट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होते हैं, उनका कैश फ्लो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होता है। वो वाले इन्वेस्टमेंट जिनको नहीं कवर किया जाता है कैश इक्विवेलेंट में, कैश इक्विवेलेंट में जिसको कवर नहीं किया जाता है। एंड आल्सो द इन्वेस्टमेंट्स विच आर नोट कवर्ड इन कैश इक्विवेलेंट, जिसको कैश इक्विवेलेंट में कवर नहीं किया जाता है। सर कौन से होते हैं बेटे? आगे जाके पढ़ेंगे। कैश इक्विवेलेंट में वो आते हैं जो 3 महीने के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, वो होते हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइजेबल होते हैं। अब उन 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइजेबल होने की वजह से वो लॉन्ग टर्म में तो रहे नहीं, तो देखा जाए तो वो इस वर्ड में तो कवर नहीं हुए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहां पर तो कवर नहीं होगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइजेबल है, उन सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट में कवर किया नहीं जाता। कैश इक्विवेलेंट की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ 3 महीने तक के इन्वेस्टमेंट्स की बात करती है। तो 3 महीने के बाद में और 12 महीने के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल होते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात यहां पे लिखी गई है। ठीक है, प्लीज आप लिखिए इसको और आइए हम लोग यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। लिखिए जी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एग्जाम में अगर एग्जाम्पल नहीं भी मांगे, सिर्फ इन एक्टिविटीज की थ्योरी आपसे पूछे, तो भाई आपको एग्जाम्पल भी लिखने हैं। हाँ जी लिखिए जी, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम एक्विजिशन
और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स असेट्स के खरीदने या बेचने से रिलेटेड जो भी कैश का फ्लो है वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लिखिए बेटे फटाफट से, मैंने इसको ABCD का नाम देना शुरू कर दिया एग्जांपल्स को, ठीक है। अब अगला एग्जांपल है बी, लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम एंड टू फॉर रिपेमेंट, बल्कि रिपेमेंट नहीं, टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हमने लिखा था ना पहले इन्वेस्टिंग के पहले जो हमने लिखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वो सारा का सारा एज इट इज लिख दो वापस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कॉमा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कॉमा ऑप्शन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। सर अभी तो आपने लिखाया था कि ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होते हैं। हाँ तब ना, जब ट्रेडिंग पर्पज से लिए होंगे, जब डीलिंग पर्पज से लिए होंगे, जब ट्रेडिंग और डीलिंग पर्पज से नहीं लेंगे तो फिर तो हम इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए लेते हैं इसको, जो आपको फाइनल में पढ़ना है। कैश फ्लो जो इनसे हुआ या इनमें हुआ, मतलब इनको खरीदा या फिर इनको बेचा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सच कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट टेकन फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस, फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर नहीं लिया गया है, उसके अलावा क्या पर्पस हो सकता है? सिर्फ एक ही, क्या? इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी। तो ऐसा जो है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से आना और जाने वाला कैश का जो फ्लो है वो कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाला कैश फ्लो। आइए जी आगे बढ़े। सी, कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम द एडवांस, एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। भाई थर्ड पार्टी को कोई लोन या एडवांस दे रखा था, उससे जो पैसा आया, उससे जो पैसा आया, कौन से वाला जी? अदर देन फॉर फाइनेंशियल पर्पस, फॉर फाइनेंशियल एंटिटी, उनसे जो पैसा आया वो क्या कहलाता है बेटे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैसे जी? भाई एक का तो काम है बिजनेस का कि वो लोन लेते हैं और देते हैं, एक का तो भाई ये काम है, और दूसरे का ये काम नहीं है तो किस पर्पज से देगा? कोई ना कोई दूसरा पर्पज होगा, और बिजनेस का ऑपरेशन तो होगा नहीं। अगर किसी का काम ये रहता है मेन, तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, और जिसका ये मेन काम नहीं है उसके लिए कहाँ पे आएगा? ये आएगा जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर होगा।
आइए जी आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट करते रहे। डी पॉइंट इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, और ध्यान रखना इंटरेस्ट पर टीडीएस कट के मिलता है, तो यहां पर जो बात कर रहे हैं वो नेट की बात कर रहे हैं, नेट की, नेट ऑफ टीडीएस। अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो टैक्स कटता है ना उसमें, टीडीएस कटता है, कुछ लिमिट के बाद में नहीं कटता है, बात अलग है, लेकिन हाँ कटता जरूर है। तो ऐसे केस में जो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है नेट, नेट ऑफ टैक्स, ओनली दैट पार्ट, नेट ऑफ टैक्स पार्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ई पॉइंट, कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर्स वारंट्स। सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, शेयर्स वारंट्स और डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे डिबेंचर वगैरह हो गया, ठीक है ना, शेयर वारंट्स, शेयर्स वारंट्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, और क्या हो गया, एंड इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स, जो जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट से पैसा वापस आया वो कहां पे आएगा बेटे, वो कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, तो मैंने माना कि यहां तक बच्चों ने नोट कर लिया होगा जी। आइए जी आगे बढ़ते हैं, मैं आपके लिए रुका हूं बेटे, हो सकता है कोई बच्चा नोट करने से रह गया हो। चलिए जी शुरू करें फिर, आइए जी मैं आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेज है अपना, नेक्स्ट पेज पर हम लोग लिखने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्लीज हेडिंग बनाएं, नंबर फिफ्थ हेडिंग। सर मुझे भी ले आइए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमें ढूंढना हो क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो हमें लायबिलिटीज एंड इक्विटीज में, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में देखना होगा क्या फ्लो हुआ और उनसे रिलेटेड क्या फ्लो हुआ। लिखिए जी, दीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स in the which result in the change in
साइज एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ओनर्स यानी ओनर कैपिटल एंड बोरोइंग्स। अब सवाल ये कि ये जो बोरोइंग्स हैं ये कौन सी बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म की दोनों। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बेटे, ध्यान रखना फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी है भाई, जिसका जो एक्टिविटीज रिजल्ट देती हैं, जिनका फ्लो कहाँ पे हमें देखना है, जिनके कैश का फ्लो किस में देखना है, जिनके कैश में चेंज आया है, किस चीज में चेंज आया है, इनके साइज और कंपोजिशन किसके, जैसे ओनर की कैपिटल है शेयर कैपिटल, वो या तो बढ़ी है या घटी है, उसकी वजह से कैश में क्या फ्लो है। तो ऐसा कैश फ्लो जो ओनर्स की कैपिटल के बढ़ने या घटने से हुआ है वो कहलाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। यही बात लोन्स के लिए है, बोरोइंग्स के लिए। तो बोरोइंग्स में भी अगर कोई चेंज आया है तो उस चेंज की वजह से जो कैश का फ्लो हुआ है, चाहे वो इनफ्लो हुआ चाहे आउटफ्लो हुआ है, कहलाता है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये बोरोइंग्स बेटे दोनों है, मैं यहां पे रेड पेन से लिख रहा हूं, मैं आपके यहां पर बेटे रेड पेन से लिखूंगा उन वाली चीजों में जहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। लॉन्ग टर्म तो है ही, आल्सो शॉर्ट टर्म लोन भी यहीं पे कवर होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको फाइनेंसिंग में कवर कर दें। आइए जी इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हम लोग, एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस उम्मीद के साथ कि बच्चे मेरे साथ साथ में लिख रहे हैं, आइए जी। एक तो बेटे ओनर्स, मैं ABCD करके लिखता हूं, ओनर्स की बात करूं तो भाई इशू हो रहा है शेयर्स का, चाहे वो इक्विटी वाले शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस वाले शेयर्स हो, या फिर रिडम्पशन हो रहा है शेयर्स का। ऑफ कोर्स बेटे रिडम्पशन किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का। और इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस कैसे करते हैं, रिडम्पशन बोल के नहीं, उसको हम बोलेंगे सेकंड ग्रुप में पढ़ेंगे, जब इक्विटी वालों का पैसा वापस किया जाता है तो कहलाता है बाईबैक। और बाईबैक ऑफ शेयर मतलब बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर की बात करते हैं ये लोग। तो ये तो बात रही शेयर्स के अंदर चेंज की, ओनर्स कैपिटल के अंदर, शेयर इश्यू हुआ तो पैसा आया, शेयर वापस आया तो बेटे पहले पैसा गया, कैश आउटफ्लो हुआ, फिर तो पहले में कैश इनफ्लो बाकी में कैश आउटफ्लो। इसके बाद में डी पॉइंट, डी पॉइंट लोन्स की बात करते हैं, क्या रेज्ड बोरोइंग्स लोन लिए गए, कौन से लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म दोनों, एनी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैसे भी हो, ये सब की बात कवरेज यहां पे होती है रेज्ड। ई पॉइंट बाद में इन्हीं बोरोइंग्स का पेमेंट हुआ, रिपेड बोरोइंग्स, चाहे बेटे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, कैसे भी हो। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे बोरोइंग्स होते हैं शॉर्ट टर्म, उनके अलग अलग नाम होते हैं, कैश क्रेडिट। नेक्स्ट मैं लिखता हूं रेड पेन से, जिन पे आपको ध्यान देना है खासकर। हमारा AS पहले बिल्कुल साइलेंट था, आज भी बेचारा साइलेंट है। AS3 बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहता, तो कुछ लोग 12th में अपनी मर्जी से बैंक ओवरड्राफ्ट को रख दिया करते थे, कभी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में और कभी उठा करके उसको ना कैश इक्विवेलेंट में एडजस्ट कर देते थे कि भाई तो माइनस का कैश फ्लो है। तो एक बात ध्यान रखना, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए एकदम साइलेंट है, लेकिन पिछली बार
कुछ एक एग्जाम्पल आ गया था जहां पर AS3 के एग्जाम्पल में दिया गया था कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो किसके बारे में, कौन सा कैश फ्लो, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला कैश फ्लो। और इसके फ्लो को उन्होंने साफ साफ एग्जाम्पल्स में दर्शाया था बेटे कि ये है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला कैश फ्लो। ठीक है, एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है, ग्रांट रिसीव्ड। AS12 में आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में, ग्रांट रिसीव्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। कैपिटल प्रोजेक्ट दो तरह की ग्रांट मिलती है, एक तो डेली रूटीन के काम के लिए, वो जब स्टार्टिंग कर रहे होते हैं कोई बिजनेस के लिए अच्छे से रन करने के लिए कि भाई आप रन कर पाओ अच्छे से, ठीक है। और एक होती है ग्रांट जो कैपिटल नेचर के प्रोजेक्ट्स के लिए मिलती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मिलती है, तो ऐसी ग्रांट कहलाती है आपकी ग्रांट रिसीव फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। तो यहां पे जो बात कर रहे हैं ना ये लोग, ये बात कर रहे हैं किसके लिए बेटे, ये बात कर रहे हैं कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले ग्रांट की, जहां पर आपको बड़ा काम करने के लिए ग्रांट मिली है, डेली रूटीन के काम करने के लिए ग्रांट नहीं मिली है। तो ये आती है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, सॉरी नेक्स्ट पेज पर नहीं, इसी पेज पर मैं आगे लिखता हूं अगला पॉइंट इसके अंदर जो बचा अब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, बस एक पॉइंट और देखने वाला बचा है, उसको दीजिए हेडिंग नंबर 6। क्या, कैश इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट हाँ जी लिखो बेटे इसके अंदर कैश इक्विवेलेंट। पहली बात तो बोलते किसको है, सबसे पहली बात सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, लिखिए जी कैश इक्विवेलेंट कहेंगे किसको बेटे, कैश के समान जो चीजें हैं। सर मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए प्लीज। हाँ जी कैश इक्विवेलेंट कहते किसको है जी, लिखना शुरू करें। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स which are readily convertible in the known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और जो रेडिली कन्वर्टेबल होते हैं किसमें, नॉन अमाउंट ऑफ कैश में, जिसमें पता रहता है कि अप्रोक्स कितने रुपए का कैश मिल जाएगा उनके बेचने से, और उसमें बिल्कुल बहुत ही कम रिस्क होता है कि भाई वैल्यू जो हम सोच रहे हैं उनसे कोई अलग वैल्यू आएगी। जैसे आपको पता है कि कोई कंपनी के शेयर्स हैं रिलायंस के, उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा कम होने के लिए, उनमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क रहता है क्योंकि वो बड़ी ट्रस्टवर्दी कंपनी रहती है। तो
ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो शॉर्ट टर्म में हाईली लिक्विड हो और रेडिली कन्वर्टेबल होते हैं नोन अमाउंट ऑफ कैश में, और इनसिग्निफिकेंट रिस्क रहता है इस बात में कि जो हम वैल्यू सोच रहे हैं वो वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कहलाते हैं कैश के इक्विवेलेंट। हाँ जी, 3 months और लेस, 3 months और लेस इज द पीरियड फॉर सच रियलाइजेशन, और इनके रियलाइजेशन का जो पीरियड है वो 3 महीने या उससे कम का है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं जी आपके कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट, ठीक है जी। एग्जाम्पल कैश इक्विवेलेंट का कुछ एग्जाम्पल्स लिखें क्या? आइए जी लिखते हैं कैश के इक्विवेलेंट के एग्जाम्पल। जैसे बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो तो होता ही कैश है, लेकिन कैश की तरह ही तो है ना। कैश कैश और बैंक में थोड़ा सा फर्क तो होता है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो वाले जो 3 months वाले हैं, अप टू 3 months, सर 3 months से ऊपर बेटे 12 months तक के कहाँ आएंगे इन्वेस्टिंग में? और 12 कैश इक्विवेलेंट ना, हाँ। बाकी सारे कहाँ आएंगे? इन्वेस्टिंग में आएंगे, 3 महीने से ऊपर वाले। और होते हैं जी जैसे डिमांड डिपॉजिट होते हैं, जो हमने बैंक में पैसा जमा करा रखा है और वो डिमांड पर कभी भी मिल सकता है, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? हमारे कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं जी। प्लीज नोट करें, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा जी। चलिए जी, अब कुछ क्वेश्चंस के ना स्पेशल पॉइंट्स जो आपको दिक्कत कर सकते हैं, क्वेश्चंस में जो पॉइंट्स आपको दिक्कत कर सकते हैं, आइए जी मैं लिखा रहा हूं आपको सम स्पेशल पॉइंट्स। हेडिंग डालिए रेड पेन से, नहीं हो तो आप कोई भी डिफरेंट पॉइंट पेन लिख लीजिएगा। सम स्पेशल, सर मुझे भी ले आएगा स्क्रीन पे, पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। जैसे सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है आपका इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। मैं इनको बेटे चार्ट फॉर्म में आपको कराऊंगा भाई, या तो इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड, इनकी बेटे दो कहानी है। दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक तो वो जिनके लिए ये लेना देना, ये रिसीव करना और पे करना एक डेली रूटीन का पार्ट है, हम बोलते हैं उसको फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
और दूसरे हो गए अदर्स, फोर अदर्स, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो फाइनेंस का लेने देने का काम करते हैं, जैसे आपके बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, एनबीएफसी वगैरह हो गए, तो इनके लिए तो ये रोज रोज का काम है, इनके लिए तो ये एक ऑपरेशन का काम है। तो ऐसे ही इसीलिए के कहते हैं क्या, चाहे ये पे हुआ हो और चाहे ये रिसीव हुआ हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड का पे करना और रिसीव करना दोनों ही कहलाते हैं इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि बिजनेस का ऑपरेशन है इनका, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, इनका बिजनेस ही ये है मेन एक्टिविटी। तो इसीलिए इनसे जो रिवेन्यू जनरेट होता है, इनका जो रिवेन्यू है वो कहलाता है कैश फ्लो, मतलब इनका जो रिवेन्यू वाला कैश का फ्लो है वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो बिजनेस अदर्स हैं, अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी एक तरह से देखा जाए तो वहां पर या तो पे हो रहा होगा या रिसीव हो रहा होगा, दो ही तो बात हो रही होंगी भाई। जिसका काम ये इसमें डीलिंग करना नहीं है, मेन एक्टिविटी नहीं है, सर वो ऊपर कर देना, जिसका मेन काम ये नहीं है, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन पे करेगा तो क्या कहलाएगा? जब वो पे करते हैं पेड, और जब वो रिसीव करते हैं इंटरेस्ट या डिविडेंड को, बेटे समझना, एंगल चेंज करके बात समझ में आएगी। यहां पर पे करते हैं तो क्यों पे करते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट में उनके यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में या तो शेयर कैपिटल है जिस पर डिविडेंड दिया है, या फिर वो लोन या डिबेंचर्स हैं जिस पर वो इंटरेस्ट पे किया है, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। तो इनसे रिलेटेड जो कैश का फ्लो है वो क्या कहलाता है बेटे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट या डिविडेंड को पे करना कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि भाई ये जो है ना, बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे किया गया इसलिए। और जब रिसीव करते हैं तो भाई वो किस वजह से करते हैं? बेटे बैलेंस शीट में यहां पर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है, इन्वेस्ट। अगर ये 3 महीने वाला होता तो नहीं आता, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले का इंटरेस्ट और डिविडेंड है। तो वहां पर उन्होंने साफ साफ बताया इस चीज के लिए, बेटे सीधी सी बात है यहां पर, क्या ये यहां पर जो आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहां पर एक छोटा सा डाउट आता है क्या कि सर टीडीएस का ट्रीटमेंट क्या हुआ? टीडीएस का, हाँ, जो इन पर टीडीएस था, मान लिया इंटरेस्ट पे किया गया तो उस पर टीडीएस काट करके तब पेमेंट किया गया होगा ना, बिल्कुल। और मान लिया इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो उस पर टीडीएस काट करके तब रिसीव हुआ होगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो उनका ट्रीटमेंट भी बताओ जी। तो सुन लो बच्चों ध्यान से, जब ये इंटरेस्ट पे किया गया था तो इस डिबेंचर या लोन पे किया गया था, तो इस पर जो टैक्स कटा जिसका पेमेंट किया गया, मैं कह सकता हूं टीडीएस पेड। जैसे मान लिया अगर लोन है 1 लाख का और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10,000 रुपए का ब्याज होगा जी साल भर का, और उस 10,000 के ब्याज के ऊपर, हालांकि 10,000 तक टीडीएस नहीं कटता है, अलग अलग हिसाब किताब है, मान लिया उस 10,000 पर टीडीएस कट रहा है और वो है मान लिया 200 रुपए का, एग्जाम्पल,
तो जो बात चल रही है यहां पर इस 200 रुपए की चल रही है, और 9800 रुपए कहां गया? 9800 रुपए तो यहां फाइनेंसिंग में आ चुका है, 9800। तो ये टीडीएस जो 200 रुपए का टीडीएस है वो किस वजह से पे हुआ? भाई वो पे हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से। तो इस पर जो टीडीएस आएगा वो भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही दिखाया जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाएगा, वो भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऐसे वाला टैक्स। अब बात कर रहा हूं जी मैं इन्वेस्टमेंट की। भाई जिस कंपनी ने ये 9800 रुपए पे किए इंटरेस्ट के नाम के, उस पर 200 रुपए काटने के बाद में, यानी 10,000 पर 200 रुपए टैक्स काट करके और 9800 रुपए पे किए जी, तो 200 रुपए का टैक्स उस कंपनी ने दिखाया अपने कहां पर? फाइनेंसिंग में। और 9800 को भी उन्होंने फाइनेंसिंग में ही दिखाया, क्योंकि ये सारे पेमेंट, सारा पेमेंट बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग किया गया है। अब जो इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है, इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से पैसा रिसीव हुआ अर्निंग का। हाँ मान लिया, मैं इसी की बात करूं, जैसे किसी कंपनी ने 9800 रुपए नेट दे दिए 200 रुपए टैक्स काटने के बाद, टोटल 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है उन लोगों को जिन्होंने उसके यहां पर इन्वेस्ट किया, उसको फाइनेंस किया है, तो उन लोगों के लिए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, जिन्होंने ये इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो वो अपने यहां पर 9800 रुपए को कहां दिखा रहे होंगे? वो अपने यहां पर बेटे 9800 रुपए को रिसीविंग में, रिसीवर के एंगल से बात करूं तो वो यहां पर इन्वेस्टिंग में दिखा रहे होंगे। लेकिन जो टीडीएस उस पर पे हुआ कटा, टीडीएस जो उस पर कटा वो उस पर कहां पर दिखाएंगे? यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर बच्चा ये सोच रहा है कि इन्वेस्टिंग में आएगा तो गलत सोच रहा है, क्योंकि उस टैक्स का, उस टीडीएस का बेनिफिट बिजनेस के ऑपरेशन में लिया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिया जाता है। इनकम टैक्स जो पे कर रहे होते हैं बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में, वहां पर उस टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि इनसे आने वाली इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो रही थी, ठीक है, तो वहां पर इनकम टैक्स में डिडक्शन ले ली जाती है। तो क्या कहते हैं इसका कैश फ्लो कहां है, कहां शो किया जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है बात, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये शो किया जाएगा जी। कितने रुपए का? ये 200 रुपए का जो टैक्स कटा टीडीएस, प्लीज इसको नोट करें और फिर बात हम लोग आगे करेंगे जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं जी आपका। सर मुझे हटा लीजिए स्क्रीन से। आई होप कि आप बच्चे लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा जी, मैं आगे चल रहा हूं। सर हटा लीजिएगा मुझे स्क्रीन से। आइए जी, सेकंड स्पेशल पॉइंट नंबर सेकंड वाला स्पेशल पॉइंट जो क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेंगे, उनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? रिजर्व फॉर बैड डेट्स। इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर क्या होगा भाई? ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और इसको बिल्कुल ऐसे डील करेंगे, ट्रीटेड एज चेंज इन द करंट लायबिलिटीज। बेटे अभी से लिख लो, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बात पूरी तरह समझ में आएगी, हालांकि कोशिश करता हूं मैं समझाने की। जैसे डेटर्स तो बैलेंस शीट में पड़े होते हैं, कहां पर? बैलेंस शीट में डेटर्स होते हैं असेट साइड में,
और इन डेटर्स पर जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनती है वो बनती है, क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। तो इन दोनों का चेंज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चेंज कहलाता है। पहली बात, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ बात आएगी करंट असेट्स के चेंज की और करंट लायबिलिटी के चेंज की। तो ये समझाया गया है कि आप डेटर्स में से इसको नेट करके मत देखो, डेटर्स का चेंज अलग काउंट करो, एक असेट्स की तरह, करंट असेट्स की तरह, करंट असेट्स, और रिजर्व फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल्स का डेट्स का चेंज अलग तरह से डील करो, करंट लायबिलिटी की तरह मानते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि कुछ बात रिपीट होगी लेकिन ये सारे पॉइंट एक जगह लिख देंगे तो जरा अच्छे से कवरेज हो जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन को कैसे डील किया जाता है, सर अभी तो बताया था आपने, हाँ बस दोबारा बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को जो क्वेश्चन अटका देते हैं मैं एक ही जगह पे लेके आ रहा हूं। एक तो है जी, एक तो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम इनमें से किस में मानेंगे? हम नहीं मानेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम उसको हमेशा डील करेंगे एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरह, ये हमें मानना है बेटे। एग्जाम में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काउंट करना है इसको, क्योंकि कुछ बच्चों ने ट्वेल्थ में इसको ना करंट लायबिलिटी की तरह डील कर रखा है, जिससे ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर लिया जाता है। होता तो करंट लायबिलिटी है लेकिन डील कहाँ पे होता है जी, ये डील कहाँ पे होता है जी, ये डील होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नंबर फोर्थ हेडिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर अभी तो करा दिया आपने पहले वाले पॉइंट में, ये जो इंटरेस्ट रिसीव है ये मैं किसी और पॉइंट पे बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर्स, जो जो बेटे आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल सकता है मैं उसको पहले ही नोट करा रहा हूं, ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी बात नहीं रही। एक दो तीन, हाँ जी, एक तो भाई क्या हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील करें या भाई हम इसको ऑपरेटिंग में डील करें और या हम इसको फाइनेंसिंग में डील करें। बेटे ना तो ये होगा इन्वेस्टिंग, हमने कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना किया था जिस पे रिटर्न आएगी, और ये हमारे बिजनेस का डेली का काम थोड़ा ना है कि हम कॉल से निधि पर इंटरेस्ट रिसीव करते रहे, ये तो बिकॉज ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि हमने शेयर्स इश्यू कर रखे हैं उन पर पैसा कम आया, अब लेट दिया उन्होंने तो उन्होंने उस पर इंटरेस्ट भी दिया, तो ये कहाँ पे आएगा जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगला पॉइंट जी, तो मैं बढ़ा जी आगे, पॉइंट नंबर फिफ्थ, स्पेशल पॉइंट में पॉइंट नंबर फिफ्थ लिखिए, अंडर राइटिंग कमीशन या फिर ब्रोकरेज कमीशन। ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स, इशू
ये पे होता है ना, पेड, इसको कैसे डील करते हैं बेटे? लिखो जी, साथ साथ लिखते चलना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए एक बार बेटे थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लें। नेक्स्ट पेज पर हम लोग लिखने जा रहे हैं फॉर्मेट। सर एक स्केल दे दीजिएगा, स्केल 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 दे दीजिए। हेडिंग बनाइए जी, फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेट। बंद कर देना बेटा। फटाफट से नोट करना शुरू करें जी। तीन एक्टिविटीज में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले बेटे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखाई जाएंगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसका दो टू अल्टरनेटिव वेज होते हैं, टू अल्टरनेटिव्स। इसको बनाने के, इस वाली एक्टिविटीज से कैश फ्लो को बनाने के लिए दो अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव नंबर वन, पहले वाले का नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है जी? डायरेक्ट मेथड। दूसरे वाले का क्या नाम है जी? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले ये दोनों मेथड मैं नेक्स्ट पेज पे आपको अलग से लिखाऊंगा। एक बात तो पक्की है, उनसे जो भी कैश फ्लो आएगा उनको उसको यहां पे लिखा जाएगा, उसकी नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका अगले वाला पॉइंट, अगले वाला जो हेडिंग है, अगले वाला जो हेडिंग है वो कौन सा है जी? सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये तो हम बात नहीं करेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट की, कि क्या क्या चीज हमें क्वेश्चन में नॉर्मली देखने को मिलती है। जैसे जी सेल्स अमाउंट ऑफ या तो भाई फिक्स असेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कौन से वाले, या तो लॉन्ग टर्म वाले या फिर जो इक्विवेलेंट में कैश इक्विवेलेंट में कवर नहीं है। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो बेटे उनका जो उनके लिए जो कैश आउटफ्लो होगा, जो पैसा बाहर जाएगा, क्या कहलाएगा? कैश आउटफ्लो। हम बात कर रहे हैं पैसा आया या गया, पैसा आया या गया। एक और चीज यहां पे आएगी, कौन से वाली भाई? या तो इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। ऑफ कोर्स नेट की बात कर रहे हैं, नेट ऑफ टैक्स रिसीव्ड, जो हमारी जेब में पैसा आया इंटरेस्ट के नाम का, डिविडेंड के नाम का, उसको हम कहां शो करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। प्लीज इस फॉर्मेट को लिखते रहो समझते हुए, बाद में क्वेश्चन में समझा नहीं जाएगा, वहां प्रैक्टिस की जाएगी। नंबर थर्ड एक्टिविटीज, ये जो नंबर थर्ड एक्टिविटी है ये सारी की सारी किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो इसका हेडिंग क्या है? कैश फ्लो। फ्लो का मतलब हमेशा खाली इनफ्लो नहीं होता, हमेशा लोग पैसे पैसे के आने की बात करते हैं, कैश इनफ्लो भी और कैश आउटफ्लो भी, दोनों का दोनों कहलाते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बेटे ओनर्स के पैसे, ओनर कैपिटल, याद है आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने पढ़ा था कि ओनर वाला पैसा और बोरोइंग्स वाला पैसा। तो ओनर्स वाले में बात करूं तो भाई या तो हम शेयर्स को इशू करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स, आपका ध्यान रखना है यहाँ पे नेट अमाउंट की बात आएगी, यानी प्रीमियम अगर है तो वो जुड़ जाएगा और बेटे डिस्काउंट अगर है वो घट जाएगी। तो नेट अमाउंट क्या है जी? नेट अमाउंट। फिर यही बात रिवर्स है, अच्छा रिडम्पशन या फिर बाईबैक ऑफ शेयर्स। हमने अगर कोई बाईबैक किया है या रिडम्पशन किया है तो कैश का नेगेटिव फ्लो है, कैश नेगेटिव में होगा यानी कैश आउटफ्लो होगा, माइनस की फिगर होगी, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं इसी के आगे किस चीज की, इस शेयर्स के ऊपर अगर हमने कोई डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड और उसका सीडीटी एंड सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोल दो या डीडीटी बोल दो, ध्यान रहे जब डिविडेंड पे किया जाता है तो फाइनेंसिंग में, लेकिन जब रिसीव किया जाता है तो इन्वेस्टिंग में। यही बात इंटरेस्ट की है, अगर आपने इंटरेस्ट को पे किया, इसका जो नेट अमाउंट है, नेट ऑफ टीडीएस इंटरेस्ट पेड, वो भी कैश का आउटफ्लो, और टीडीएस ऑन इंटरेस्ट वो भी बिकॉज ऑफ फाइनेंस जा रहा है जी, तो वो भी कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। हम बात कर रहे हैं जी आगे, ये इंटरेस्ट किसकी बात करते हैं? बोरोइंग्स की। तो जो भी बोरोइंग्स लिए हैं यानी कि लोन, लोन्स रिसीव्ड, ड्यूरिंग द ईयर उससे पैसा आएगा तो पॉजिटिव का फ्लो। लोन्स रिपेड ड्यूरिंग द ईयर, उनमें बेटे पैसा जाएगा, कैश का आउटफ्लो, ठीक है जी। यही लोन के बजाय ये हो सकता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो, जिससे पैसा आएगा, पॉजिटिव का फ्लो, या हो सकता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो,
जिसमें पैसा जाएगा जी। नेगेटिव का फ्लो, यह जी नेट कैश फ्लो, कौन से वाला, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो मैं बात कर रहा हूं जी इससे आगे, यहां तक जो भी तीनों एक्टिविटीज का फ्लो है कैश फ्लो, उन तीनों को हम बोलते हैं मिलाकर के कि ये नेट कैश फ्लो है, नेट पैसे का आना जाना है ड्यूरिंग द ईयर। ये बेटे नेट अमाउंट आ गई, हो सकता है ये आउटर कॉलम में अमाउंट माइनस की हो, इनमें से कोई अमाउंट हो सकता है बेटे माइनस की हो, इसमें हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे जी, प्लस ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब हम ओपनिंग वाला जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा जी, इज इक्वल टू क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग वाला कैश और कैश इक्विवेलेंट, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको नोट कर रहे हो, मैं रुका हुआ हूं जी, प्लीज आप नोट कीजिएगा। एंड आई होप अब तो आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आइए जी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, क्योंकि यहां पे सारी चीजें एकदम से एक ही जगह पे नहीं आ सकती। आइए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहां पर जो हमें लिखना था भाई, दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होने की वजह से किस में फर्क पड़ता है, सिर्फ एक एक्टिविटी पर, वह है कौन सी, ऑपरेटिंग वाली। क्या उससे कोई फर्क पड़ता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे, जी नहीं। आइए जी चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो पहला मेथड है अपना, सर मुझे भी ले आइए सर स्क्रीन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो पहला मेथड है अपना वो है डायरेक्ट मेथड। सर क्वेश्चन में दोनों मेथड से करना है, नहीं जी दोनों में से कोई एक मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कहता है कि आप कान सीधा सीधा पकड़ लो ऐसे, और इनडायरेक्ट कहता है कि नहीं आप ऐसे पकड़ो, समझ लो। डायरेक्ट मेथड कहता है कि आप ऐसे पकड़ लो कान, और इनडायरेक्ट कहता है कि आप घुमा करके ऐसे पकड़ो। ऐसी कुछ बात है यहां पर कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो कैश आया गया वो ये मेथड कहता है कि आप एक काम करो ना, आप डायरेक्ट वही रिसीव करो, वही रिकॉर्ड करो जो पैसा आया जो पैसा गया, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के अंदर झांको
और देखो उनसे रिलेटेड या उस वाली एक्टिविटीज में कितने रुपए का कैश आया। कि ये कहता है कि क्या आप बस सीधा सीधा रिकॉर्ड करो रिसीट्स और पेमेंट्स और निकाल लो जो नेट कैश फ्लो आया ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। सी एफ ओ ए लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, सी एफ ओ ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये कहते हैं जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश आया और गया उनका नेट सीधा सीधा कर लो, यानी आप रिकॉर्ड सिर्फ रिसीव को करो। जैसे किससे, कैश फ्रॉम सेल्स, जो हमारी सेल कैश में हुई उससे पैसा आया, फ्रॉम सेल्स। और अगर उधार वाले से पैसा है तो कैश फ्रॉम डेटर्स, या बिजनेस की जो अदर इनकम है कैश फ्रॉम अदर इनकम्स, जो दूसरी इनकम्स है उनसे जो कैश आया उनको रिकॉर्ड किया जी। फिर जो पेमेंट हुआ इसी के रिवर्स में पैसे जो जा रहा है, कैश पेड फॉर परचेज, भाई आपने जो जो काम किया बिजनेस के ऑपरेशन में उसके लिए जो कैश दिया, आप सिर्फ कैश पेड को रिकॉर्ड करो, कैश रिसीव को रिकॉर्ड करो, कैश पेड को रिकॉर्ड करो। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, जब उधार खरीदा तो उसमें क्रेडिटर्स को कैश कितना दिया, कैश पेड कितना है, या फिर कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। ये सारे के सारे क्या है बेटे, माइनस के फ्लो। कह रहे इन सबको इकट्ठा कर लो और एक बार घटा लो और फिर बताओ नेट क्या हुआ। इससे बल्कि पहले इसको यहां पे लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्लो। अब इसमें इसमें से आप टैक्स को घटाओगे, जो सेपरेटली दिखाना है टैक्स पेड, और बताओ फिर कैश कितने का ड्यूरिंग द ईयर है जो फ्लो हुआ, नेट कैश फ्लो। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग क्लास है क्योंकि आज हमने सारे के सारे फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, इसके अंदर जो जो हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे उन डाउट्स को हमने पहले से एडवांस में लिख के रख लिया। एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट हमें बनाना था, क्वेश्चंस आज हम लोग नहीं करेंगे आज की क्लास में, पहले फॉर्मेट पूरा कर लेंगे जी, अंडरस्टैंडिंग का काम सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, अभी तो हमारी क्लास पेंडिंग में है, अभी रहती है हमारी क्लास, फॉर्मेट पूरा बनाना है। तो आइए जी, ये तो है डायरेक्ट मेथड, आई होप कि आप साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। बात करते हैं हम आगे, और वो है जी इनडायरेक्ट मेथड। क्या है जी, इनडायरेक्ट मेथड, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग करें इनडायरेक्ट मेथड से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, आइए जी फॉर्मेट बनाइए जी इसका। ध्यान रहे मैं जो बात कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो हमें क्वेश्चन में जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दिया होता है हम सबसे लास्ट से हम उठा रहे हैं जी, जैसे नेट प्रॉफिट,
आफ्टर टैक्स हमारे पास अवेलेबल होता है। क्या मतलब सर? मैंने कहा देखो जरा अभी दो मिनट इसको नोट नहीं करना, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है जिससे हम ये इस चीज को उठा लेते हैं भाई। या तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन जो हो गए हमारे जिससे हम इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, या तो क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, और बेटे बैलेंस शीट भी दी होगी, बस कंपनी के केस में वर्टिकल होंगे, या फिर क्वेश्चन में हमें देंगे 2 साल की बैलेंस शीट कंपैरेटिवली बनी हुई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस नाम के अकाउंट का कुछ बैलेंस ओपनिंग वाला, कुछ बैलेंस क्लोजिंग वाला होगा। जैसे मान लीजिए ये 1 लाख है और यहां पर है 1,20,000, ये ईयर नंबर 1 है, ईयर नंबर 2 है, ये ईयर नंबर 1 है, ईयर नंबर 2 है, तो हम इन दोनों का जो चेंज है वो किस वजह से हुआ होगा, जो हमें सेकेंड ईयर में अगर मैं देखता हूँ ओपनिंग बैलेंस पीएनएल का 1 लाख, क्लोजिंग वाला 1,20,000, तो इनमें जो चेंज है वो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारा। और यहाँ पर कई बार हमें क्वेश्चन दे देता है तो हमें पता रहता है कि कितना टैक्स गया, कितना नेट प्रॉफिट है जो आगे गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में। तो सीधी सी बात है, हम पहुंच गए जी कहां पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस, क्योंकि बेटे डिविडेंड विविडेंड भी अगर पे कर रखा है तो वो भी घटा होगा। इसी चीज को हम अल्टरनेटिवली, भाई ये तो हम कहां से उठाएंगे, ये तो हमें ट्रेडिंग परफॉर्मेंस से उठा सकते हैं, या तो हमें क्वेश्चन दे देगा या फिर हमें ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दे देगा, वरना अल्टरनेटिवली हम कहां से देखेंगे, अल्टरनेटिवली हम इसी चीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में जो चेंज दे रखा है यानी पूरे हेड के अंदर, वहां से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसमें एड बैक करेंगे कुछ चीजों को, कौन कौन सी चीजें जो गलती से ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में डाली गई होती हैं, गलती से नहीं इंटेंशनली डाली होती है, बस हमें कैश के फ्लो को, क्योंकि स्पेशल रिक्वायरमेंट है हमें अलग अलग एक्टिविटी में तोड़ने के लिए, तो हम इस ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के अंदर से वो वाली चीजें हटा करके देखेंगे जो चीजें ऑपरेटिंग नहीं है। हाँ जी, जो चीजें ऑपरेटिंग नहीं है तो हम ऐड करेंगे किन चीजों को, मैं हेडिंग बनाता हूं, रेड पेन से लिखता हूं जी। क्या जो नॉन ऑपरेटिंग है उन सबको हम हटा देंगे अगर वो घटे हुए हैं, अगर वो घटे हुए हैं कहां पर, ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस के डेबिट में डाले हुए हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग अगर वो घटे हुए हैं या फिर नॉन कैश अगर वो घटे हुए हैं या फिर सेपरेट शोइंग आइटम, सेपरेट शोइंग आइटम अगर वो घटे हुए हैं, आइटम्स इफ डिडक्टेड, अगर वो डिडक्ट हो गए थे और तब जाके नेट प्रॉफिट निकाला था, तो ऐसे आइटम्स को हम एड बैक कर देंगे, एड बैक कर देंगे। जैसे बेटे आप देखोगे क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा जी देखने को, कहाँ गया ब्लैक पेन, अरे कहाँ गया, चलो मिल गया, क्या क्या चीजें होंगी तो आप देखो बेटे गौर से, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो क्या, कि जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है इसमें यहां पर भी कुछ खर्चे होंगे, कुछ खर्चे यहां पे डले होंगे पीएनएल में, तो उनमें कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जिनसे घटा हुआ है और नेट प्रॉफिट कम हो चुका है लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, जैसे जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर रिजर्व में कोई चीज ट्रांसफर की गई है तो ये बिजनेस के ऑपरेशन का काम थोड़े ना, एडबैक कर दिया। हम पहुंचना चाहते हैं उस कैश में कमाए हुए प्रॉफिट पे जो बिजनेस से ऑपरेशन से अपनी मेहनत से कमाया है। कोई चीज अगर रिटर्न ऑफ कर रखी है
तो राइट ऑफ करने में कोई कैश थोड़ा ना जाता है, ये बेटे नॉन कैश का खर्चा होता है, रिजर्व में भेज देना नॉन कैश, एक्चुअल में थोड़ा ना कैश गया, राइट ऑफ कर देना ये भी नॉन कैश रहता है, ठीक है। जैसे लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भाई ये तो सारे की सारे डीलिंग कहाँ पे हो रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो लॉस जो आया जो डेबिट कर रखा है ट्रेडिंग पीएनएल में, जहाँ भी पीएनएल में होता है वैसे, तो जहाँ भी उन्होंने डेबिट कर रखा है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट घटा हुआ है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम उसको एडबैक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, कोई टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से कोई भी खर्चा अगर पीएनएल में पड़ा है, हमारा एस थ्री कहता है कि आप उसको सेपरेटली शो करना, तो ऐसी चीजों को हम यहां पर एडबैक कर रहे होते हैं। यही बात होती है किसके लिए, एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के लिए, इन दोनों के लिए एस थ्री ने बोला है कि आप इनको अलग से दिखाओ, सेपरेटली शो करके दिखाओ, मना नहीं कर रहे, आप यहां पर दिखाओ लेकिन सेपरेटली दिखाओ। अब इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड के नाम से अगर कोई आइटम डेबिट में पड़ा हुआ है, तो ऐसे आइटम को तो यहां पे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तो ऑपरेटिंग है ही नहीं, तो बिना बात के ऑपरेशन वाला कैश घटा हुआ है, इसको हम यहां पर एड बैक कर देंगे और जाकर के वहां घटा करके दिखाएंगे जहां पर ये घटना चाहिए। पता है वो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, वहां पर बेटे देखो हम यहां पर इंटरेस्ट पेड को घटा के दिखा रहे हैं या डिविडेंड पेड उसको घटा करके दिखा रहे हैं, वो घटा कहां से है, यहां ऑपरेटिंग में एड बैक कर देते हैं और फिर यहां पर घटा करके दिखाते हैं, क्योंकि यहां घटा हुआ होता है इसलिए यहां पर एड कर रहे होते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट और डिविडेंड और ये भी लिख रखा है कि अभी घटाया नहीं है, तो फिर एड नहीं करेंगे जी, क्योंकि उससे तो कैश घटा हुआ थोड़ा ना। नेक्स्ट, कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़े हुए होंगे, उनको लेस कर देना है। ये तो हमने क्या किया था, ऐड किए थे क्योंकि घटे हुए थे। इन्हीं तरह के आइटम्स कौन कौन से, जो नॉन ऑपरेटिंग होंगे लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आए होंगे, नॉन ऑपरेटिंग, या फिर जो नॉन कैश वाले होंगे लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आए होंगे, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनको सेपरेटली शो करना है, सेपरेट शोइंग आइटम्स, उनको जोड़ रखा होगा है ना, तो उनको अलग से दिखाना था इफ डिडक्टेड, तो ऐसे आइटम क्योंकि जुड़े हुए होंगे इसलिए लेस करेंगे। इनका नेट बाहर आ गया जी, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश सेपरेट शोइंग आइटम्स इफ डिडक्टेड। हाँ जी, इसी का रिवर्स करते जाओ, रिजर्व्स टेकन बैक, रिजर्व्स टेकन बैक, ठीक है, कोई रिजर्व से पैसा वापस पीएनएल में डाला गया, रिटर्न ऑफ की तरह से, ठीक है ना, लॉस आया तो उधर बेटे प्रॉफिट भी आ सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की रूटीन इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको यहां से हटा देंगे। नेक्स्ट, टैक्स का रिफंड आया होगा तो हमने उसको डाल दिया होगा जी अपनी इनकम में। नेक्स्ट, कोई डिविडेंड रिसीव हुआ होगा या इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, रिसीव या फिर अर्न जैसे भी हमने उसको इनकम में डाल रखा है, अगर डाल रखा है तो ठीक है जी। जब एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसका इंश्योरेंस क्लेम भी तो होता है ना, तो अगर कोई हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर रखा है तो उसको अपनी इनकम में डाल रखा है तो उसको भी वहां से हटा देना होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं जी, इसके बाद जो फाइनल रिजल्टेड फिगर यहां से आती है यहां तक के लिए, उसको हम क्या नाम देते हैं जी, उसको हम नाम देते हैं बेटे ध्यान से,
इसको हम नाम देते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। आप लोग जब बात करते हो फंड फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में, तो वहां भी तो फंड फ्लो में ऑपरेशन निकाला जाता है, तो ये चीज वहां भी काम आ जाती है। फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट, जब हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं एडजस्टमेंट किसका, फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर बेटे वर्किंग कैपिटल का हम इसमें चेंज कर देते हैं, क्योंकि कुछ पैसा ऐसा होता है जो हमारा वर्किंग कैपिटल में फंसा होता है, और अगर उससे पैसा निकल गया तो समझ लो पैसा आ गया, और अगर उस वर्किंग कैपिटल में और पैसा फंस गया तो समझ लो हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, एक तो है बेटे करंट असेट्स और एक है जी करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज के बहुत सारे नाम दिए होते हैं, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, BRBP। हम कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कैश इक्विवेलेंट में कवर है उनके अलावा बात कर रहे हैं। करंट असेट्स अगर बढ़ गई, जैसे क्वेश्चन में हमें डेटर्स मिले और डेटर्स हमने देखा ओपनिंग बैलेंस कम था और क्लोजिंग वाला ज्यादा है, तो यानी पैसा हमारा फंस गया, तो वो कैश का आउटफ्लो है। हमारा कैश जाकर के डेटर्स में बैठ गया, कैश बिजनेस से गया क्योंकि माल खरीदा और पैसा ब्लॉक हो गया डेटर्स में, तो कैश हमारा आउटफ्लो हुआ। अगर हमारी करंट असेट्स घटती है तो समझ लो बेटे वो डेटर से, मान लें डेटर का एग्जांपल ले लूं, डेटर अगर घट रहे हैं तो यानी वो कब घटेंगे, पैसा आ चुका होगा, बैड डेट्स होंगे तो ऊपर बात करेंगे, लेकिन पैसा आया तो घट गए, कैश उससे निकल के आ रहा है। लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, एक मिनट, ये ना ये पॉजिटिव की फिगर है, ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि डेटर अगर घटेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का फ्लो आएगा, ये माइनस का साइन नहीं होगा जी इसके सामने, मैं इसको काट करके दोबारा लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव की फिगर है। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो कैसे, हमारे पास पैसा आएगा, जैसे शॉर्ट टर्म लोन अगर बढ़ते हैं तो कब बढ़ते हैं, जब हमारे पास हम पैसे लेते हैं किसी से उधार, खर्चे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले कम थे अब ज़्यादा है, तो यानी हमने लोगों के ज़्यादा सिर पर उधार पाल लिए, हमने खर्चे नहीं दिए, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना है जी, तो ऐसे केस में हमारे लिए कैश इनफ्लो हुआ। प्लीज साथ साथ नोट करते चलना, अगर डिक्रीज हुआ जी, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, कैसे, हमने पैसे मारे नहीं, नहीं हमने उनका पेमेंट करा, तो यानी पैसा हमारा बाहर गया, कैश आउटफ्लो। तो यहां पर जो रिजल्टेड फिगर यहां तक की होती है उसको हम क्या नाम देते हैं जी, हम उसको नाम देते हैं जी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, बिफोर बिफोर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी इसमें इफेक्ट नहीं आया है, किस चीज का इफेक्ट नहीं आया है, ना तो बेटे हमने इसमें भी टैक्स एडजस्ट करके दिखाया और ना ही हमने इसमें अभी दिखाया है एबनॉर्मल वाले आइटम्स को। तो फटाफट से नोट करो जी, मैं आपके लिए रुका हुआ हूं। जल्दी से करो जी,
हाँ जी, आई होप यहां तक नोट कर लिया होगा। आइए जी, बचा हुआ पार्ट थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में नोट करना है। सर मुझे भी ले आइए स्क्रीन पे। हाँ जी लिखिए। तो क्या आया था वहां पर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बल्कि पहले टैक्स ना, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर यहां से पहले घटाओ जी, माइनस टैक्स पेड। कितने का टैक्स पे हुआ जी? जब ये टैक्स पे हो जाएगा जी, टैक्स पेड जो होगा उसको यहां दिखाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा जी? फिर हम इसको बोलेंगे, क्योंकि बेटे टैक्स पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेपरेट दिखाना है। सर मुझे भी लिया स्क्रीन पे। हैं जी, पांच मिनट फिर दूसरा पार्ट करना। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बट आफ्टर टैक्स। तो ये जो रिजल्टेड फिगर है, ये टैक्स घटाने के बाद लेकिन ऑपरेटिंग, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को दिखाने से पहले की फिगर है। हाँ जी। फिर इसमें से एडजस्ट होगा जी, क्या एडजस्ट होगा जी? यहां पे प्लस या फिर माइनस, जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब भाई अगर एबनॉर्मल लॉस था तो हम उसको ऐड कर देंगे। सर पीछे आप भी आ रहे हो स्क्रीन पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हाँ जी, लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना, वो घटा हुआ होगा लेकिन हमने ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया होगा तो यहाँ पे घटाएंगे। कोई इंश्योरेंस क्लेम है वो घटा रखा था, क्यों घटाया था हमने? क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जुड़ा था, ऊपर घटा के आए थे ना, उसको यहाँ जोड़ देंगे, तो उसका रीएडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्लस या माइनस। और फिर आएगा जी यहाँ पर नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने वाला जो भी कैश फ्लो है ड्यूरिंग द ईयर, वो यहां पे आएगा जी नेट। सर मुझे भी ले आओ। तो जो बोरिंग वाला काम था वो तो हमने आज के लेक्चर में कर लिया जी, जहां पे हमने थ्योरी की बातें की, जहां पे हमने थ्योरी की बातें की, कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट के समझने की बातें की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात की जी। अभी अभी दिखा दो उसे। हमने सिर्फ फॉर्मेट देखा, हो सकता है किसी बच्चे को इस वाले पॉइंट में कोई डाउट हो, जरा सुन लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है हम उनको यहां पर दोबारा से एडजस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हमने अगर देखा कि किसी ने लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर घटा रखा था, तो हमने पहले तो उसको यहाँ पे ऐड कर लिया जी, लॉस को ऐड कर लिया जी, क्योंकि उससे प्रॉफिट एंड लॉस घटा हुआ होगा। घटना तो है लेकिन अलग से दिखाना है, बस सेपरेट शोइंग है, तो पहले हमने ऐड कर लिया और फिर हमने उसको सेपरेटली अलग से घटा करके दिखाया, ताकि जो ओनर है, बिजनेस के ओनर जिनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, कैश फ्लो तो बहुत लोगों के लिए बनाया जाता है लेकिन ओनर्स का भी एक पर्पज होता है, तो उसको ना सेपरेटली दिखाया जाए, या इन्वेस्टर भी अगर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि भाई ये जो बिजनेस है इनका जो कैश कम हुआ है
वो एक नॉर्मल रीजन की वजह से नहीं हुआ, वो तो आग लग गई थी इसलिए कम हो गया, वरना कैश बहुत था। यही बात इंश्योरेंस क्लेम के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सोचे कि उनका तो कैश बहुत है तो हम पहले जो इनकम में जोड़ रखा होगा हम उसको यहाँ से घटा देंगे, जो एबनॉर्मल आइटम होगा इंश्योरेंस क्लेम हो गया या दूसरा कोई एबनॉर्मल आइटम, हम उसको पहले क्या करेंगे जी, उसको घटा देंगे क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। इफ क्रेडिटेड, इसको लिखो बेटे प्लीज, इसको करेक्ट कर लेना, इफ क्रेडिटेड, अगर उसको जोड़ रखा था तब, अगर जोड़ ही नहीं रखा था तो कोई बात ही नहीं है। अगर जोड़ रखा था तो हमने पहले यहां पे घटाया, फिर उसको अलग से सेपरेट शोइंग आइटम्स के रूप में अलग से जोड़ करके दिखाएंगे यहां पर, ताकि उसका इफेक्ट अलग से दिखे। और ये जो कैश फ्लो आया, ये ऑपरेटिंग का कैश फ्लो है खाली, ये पूरा कैश फ्लो नहीं है, ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो को इनडायरेक्ट तरीके से निकालने का हमने यहाँ पे मेथड सीखा। तो यहाँ फाइनल रिजल्टिंग फिगर यहाँ पे आ रही है, वो वाली जो हमने निकालनी सीखी अभी, और ये इसके साथ में दूसरे वाले फ्लो जुड़ने के बाद में, तब हमारा नेट कैश फ्लो बना जी ड्यूरिंग द ईयर का एंड सो। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा लेआउट सर, बड़ी स्क्रीन पे, सर फुल स्क्रीन पे ले आइए प्लीज। तो ये था बच्चों हमारा कैश फ्लो का एक बेसिक फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट में हम लोग उस बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी आज की क्लास तो हम यहीं पे और करते हैं, अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बेसिक जो है जो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट का है वो हो चुका है जी, अगली क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज आप असाइनमेंट लेकर के बैठे, अपनी बुक को सामने लेकर के बैठे, कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये रहेगी क्लास के अंदर ही हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, शब्बा खैर।